नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी की जो क्रिएटिनिन लेवल था वो एक महीने पहले 13 का लेवल था और ये आज हमारे पास एक महीने बाद आए हैं अपनी फ्रेश रिपोर्ट लेकर और आज उनका क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 2.18। ये जो 13 से 2 तक का जो हमारा क्रिएटिनिन डाउन गया, इसको पहले जानते हैं शाहबुद्दीन से उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कैसे अचीव किया। तो शाहबुद्दीन जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? असल में मेरे पेन हुआ था किडनी में, वो पथरी का पेन था। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर मैंने जो है फिर टेस्ट कराया और डॉक्टर को दिखाया हूँ मेरठ में। वहाँ दिखाने के बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट जब आई तो वो क्रिएटिनिन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। कितना था उस टाइम में लेवल? उस टाइम 7.8 था। 7.8, हाँ। फिर दो दिन के बाद ही फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर 11.8 हो गया था। अच्छा, जब आप साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब लेवल क्या थे? जी, साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब आपके क्रिएटिनिन का लेवल कितना था? हाँ, उस वक्त जब यहाँ हम आए तो उस वक्त नहीं 13 था, 13 के आसपास आपका लेवल था। 13 का लेवल था हमारा। और तो डॉक्टर्स ने कुछ बोला होगा जब आपके लेवल इतने बढ़ रहे थे, कुछ बताया था कि क्या करना है? हाँ, उन्होंने तो डायलिसिस बताई थी। डायलिसिस करने के लिए आपको बोला? हम वहाँ डायलिसिस न करा के फिर हम आपका पता लगा। ओके, फिर हम यहाँ आपके पास आए और फिर जब दवा शुरू हुई तो उस जब मैं यहाँ आया था पहली बार तो उस वक्त वीकनेस काफ़ी थी और पीलापन था चेहरे पे भी काफ़ी, लेकिन जैसे ही मतलब 2-3 दिन दवा खाई तो 2-3 दिन में काफ़ी मतलब क्या चेंजेस नज़र आए थे आपको? हाँ, एक तो मुझे जो है मैं खाना जो है बिल्कुल कम खा रहा था। अच्छा, तो दवा जब शुरू हुई तो मुझे भूख भी लगना शुरू हुई। ठीक है, आधी रोटी से एक रोटी पे आया, फिर धीरे धीरे भूख बढ़ती चली गई तो चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हुआ और फिर जो है जब टेस्ट कराया क्रिएटिनिन तो काफ़ी कम हो गया बीच में। कितने दिन बाद टेस्ट करवाया था? हमने कराया था 4 दिन बाद, 4 दिन तो 11 पर आ गया था। 4 दिन में 13 से 11, 11 पर। और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट बीच में और करवाए थे? हाँ, बीच में भी कराया टेस्ट। फिर कितना आया था? फिर ये 8 पे आया, फिर 5 पे आया। अच्छा जी, अभी कितना लेवल है? अब 1.18 है इस पर। 1.18 जी, 2.18। और ये हमारा 13 से 2.18 कितने टाइम में गया? ये तकरीबन 1 महीना 7 दिन में। 1 महीने में हो गया था। 1 महीने में हम 13 से लेवल हो गया 2। ठीक है, और अभी कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो शरीर के अंदर? अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप की कंप्लेंट, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है। दर्द नहीं है? हमने अब जब एक्सरे करवाया इसमें स्टोन भी नहीं आया इस बार? ना, स्टोन भी नहीं आया। ठीक है, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है साइंस इंजीनियरिंग के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और इससे हमें बड़ी मतलब खुशी हुई और मैं दूसरे लोगों को भी यही मशवरा दिया जो इससे मतलब पीड़ित हैं कि भाई अब आयुर्वेदिक में आए और आयुर्वेदिक में जो इसका इलाज है वो एलोपैथिक में हमें नहीं मिला, मतलब हमें डायलिसिस भी बताया सीधा, लेकिन डायलिसिस से बच के हम आपके पास आए हैं और हमें मतलब है कि किसी से पता भी चला था आपका पता जो है डॉक्टर पुरु धवन का। डायलिसिस तो एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ दवाएं रेगुलर खानी है, परहेज करना है, तो हमें 1 महीने में हमें दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर हम डायलिसिस करवाते तो सिर्फ खून साफ होता। जी जी, किडनी वैसी की वैसी रह जाती। जी जी, हमने खून ना साफ करवा कर किडनी को पसंद किया, हमने किडनी पे काम किया, अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी क्योंकि किडनी ये काम कर रही है। जी जी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि अगर हम डायलिसिस के ऊपर किसी ट्रीटमेंट को हम चूज़ करते हैं, किडनी को अगर पसंद करते हैं, किडनी को अगर हम काम करते हैं तो किडनी हमें उसका फल ज़रूर देती है। जी, वो आपका, अब आपने उसका ध्यान रखा है, वो आपका पूरे लाइफ टाइम ध्यान रखेगी। जी, तो आपने खुद सुना कि क्रिएटिनिन लेवल 13 से 2.18 तक फॉल किया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अभी हुआ क्या, पहले इनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर केस दूसरे केस से अलग होता है। शाहबुद्दीन जी को किडनी की जो दिक्कत थी वो थी पहले सीकेडी। सीकेडी इनका पहले से चल रहा था, इनकी जो लेफ्ट किडनी है वो साइज में छोटी है। अब उस किडनी छोटी के साथ साथ अब क्या हुआ, स्टोन भी साथ में हो गए। स्टोन की वजह से जो किडनी जो यूरिन बनाती है वो बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक हाइड्रोनेफ्रोसिस इनकी बॉडी में तैयार हुआ और इतना ज़्यादा प्रेशर तैयार हुआ कि लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, राइट किडनी में स्टोन की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो गई,
तो जो क्रिएटिनिन जो बॉडी में बन रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बीजे स्टेंटिंग करवाई। स्टेंट आप जानते होंगे कि एक हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे स्टोन बाहर आते रहते हैं। अब स्टेंटिंग हो जाने के बाद भी इनकी किडनी फंक्शनल नहीं हो पाई, तो ये क्या केस हुआ, ए के आई ऑन सी के डी। जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि विद इन अ स्पैन ऑफ वन मंथ जो किडनी लेवल था वो नॉर्मल आना शुरू किया, जबकि इनको डॉक्टर ने डायलिसिस कह रखा था। और डायलिसिस के अंदर और हम जो ट्रीटमेंट किडनी का करते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम डायलिसिस को चुनते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर तो क्या होता है कि हम सिर्फ खून को साफ कर लेते हैं, खून फिर से गंदा होता है, हमें फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी पे हमने ध्यान नहीं दिया। मगर अगर कहीं पर पेशेंट किडनी को पसंद करता है, किडनी का पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है, तो जो उसकी खुद की फिल्ट्रेशन यूनिट है, खुद की जो डायलिसिस मशीन यानी हमारी खुद की किडनी, वो दोबारा से काम करना शुरू करती है और हमें बाहर से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। ये जो चॉइस होती है ये एक मुश्किल चॉइस हो सकती है, मगर हमें इसको लेना पड़ता है, हमें अपनी किडनी पे काम करते रहना पड़ता है। तो किडनी लेवल का कुछ भी हो हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ज़रूरत होती है अपनी बीमारी को समझने की कि आपकी बीमारी क्या है, किस वजह से है। और जब हम सही तरीके से इस पर काम करते हैं, हर चीज़ को मेडिसिन को फॉलो किया, डाइट को फॉलो किया, तो हमें रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अब इसी के साथ हम शाहबुद्दीन जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ जब हमें मिले तो किडनी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी तरह की कंप्लेंट ना हो, स्टंट निकल चुका हो और बिल्कुल परफेक्ट अपने लाइफ में वापस। सर इसमें भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सिर्फ डॉक्टर के नहीं होता, डॉक्टर के साथ पेशेंट अच्छा भी होना जरूरी है जी। अगर पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कोई भी दवाई अच्छी से अच्छी दवाई लगती नहीं है। सही बात है, क्योंकि जब वो उसे खा रहा है उसे डाउट है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर कोई भी मेडिसिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर की मेडिसिन भी काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भी है, ठीक है ना। तो एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कई चीज़ों का साथ में होना अच्छा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर हो जी, अच्छा डायग्नोसिस हो कि बीमारी क्या है, अच्छी मेडिसिन हो और एक अच्छा पेशेंट और एक अच्छे पेशेंट के ध्यान रखने वाले जी। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर इनमें से एक चीज़ भी फेल होती है जी जी, तो काम खराब हो जाता है। अब इसी के साथ आपसे हम चलने के लिए आगे चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।